वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स. हमारा जो आज डिस्कशन का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सीरियस भी है. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहनाज और डॉक्टर नौरीन जफर, जिनका ताल्लुक कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से है. अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, सब फर्टिलिटी के हवाले से, या कुछ भी ऐसी वजूहत जिनकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे क्या मसाइल हैं. और इसके साथ साथ हमारे साथ एक योगा एक्सपर्ट, और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं है उन्होंने क्या क्या कर लिया इतनी छोटी सी एज में. आपने अंदाजा भी लगा लिया छोटी सी, मतलब जो कुछ इन्होंने किया हुआ है ना, मुझे लगता है 60 साल उम्र होनी चाहिए, तो उस लिहाज से तो मुझे तो इट विल टेक माय होल लाइफ टू डू. मेरी बात सुने के आप और तारीफें कर ले मुस्कुराहट की. देखिए ये इनको मुस्कुराहट भारी बन गई है ना इनके ऊपर. ओके जी डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम थोड़ा सा योगा के मुताबिक भी बात करना चाहेंगे, फिर इंशाल्लाह आपके ऊपर दोबारा वापस आएंगे. बाद में फिर हो रही थी, हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से आपसे कन्वर्सेशन में दूर चले गए. हम मोबाइल पे बात कर रहे थे, मोबाइल सिस्टम पे बात कर रहे थे. आजकल बड़ी रूटीन हो गई है लाइफ, समझते हैं कि सांस नहीं आएगी. अगर एक बैटरी का अगर एक चार्ज भी खत्म हो जाता है ना, तो हम कहीं जाके फौरन ढूंढते हैं कि वो हमारा चार्जर कहाँ. Exactly. और कुछ हो ना हो, चार्जर आपके बैग में जरूर होता है. पहले सोचा जाता था कि मेकअप जरूर होगा लड़कियों के बैग में, ऐसे ही है हर जगह, ऐसे ही है. आजकल तो बैंक चार्जर आ गए. अच्छा ये बताइए कि ये तो खैर एक फनी बात थी, फनी तो नहीं, ये भी एक बड़ा इशू है अगर इसको देखा जाए. हेल्थ में ये चीजें बड़ी आजकल काउंट हो रही है. नींद पूरी नहीं हो रही, सारा फोकस सुबह उठ के जी फेसबुक पे सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन देखना है, व्हाट्सएप के मैसेजेस देखने, कॉन्सेप्ट आजकल है जी कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर देनी है. मतलब ये एक डिप्रेशन की भी अलामत है. बिल्कुल, कि आपका दिमाग एक तरफ लगा हुआ है. आप इसको हेल्थ के पोर्शन में किस तरह लेकर? देखिए हेल्थ के पोर्शन में सिंपली आपका जितना वर्क है उसको उतना यूज करें. अगर आप किसी जगह पे बैठे हैं, आप वहाँ पे होते हुए वहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह पे बैठे हैं, तो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या मैसेजिंग पे, तो दिस इज अ रॉन्ग. आपका डिप्रेस है, आपके माइंड की टेंशन डिवर्ट है. तो इसलिए तो अगर व्हाट्सएप फेसबुक पे ही कोई ऐसा आपकी टेंशन रिलीज करने वाला हो तो उससे बात ना करें फिर. देखिए वो एक अलहदा मैटर है, वो एक अलहदा मैटर है, वो तो आपकी सेटिस्फेक्शन है कहीं पे भी होती है, दिस इज नॉट मैटर. तो मेरी बात करने का सिर्फ मकसद है कि अगर आप जैसे आजकल की न्यू जनरेशन है वो इंडोर एक्टिविटीज फेसबुक व्हाट्सएप या गेम्स में इलेक्ट्रिकल मीडियाज में इन है, उनसे हट के सिंपली अगर देखा जाए सोचा है, ये फैमिलीज को चाहिए, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनके प्रॉपर काउंसलिंग करें, कि सिंपली वो ग्राउंड्स में जाएं, ग्राउंड्स में जाके हेल्थी एक्टिविटीज करें, फीमेल्स मेल दोनों के लिए. right. और जो एजेड वुमेन्स हैं, जो घर में मैरिड खवातीन हैं, उनके लिए सिंपली ये है कि घर में जितनी योगा के पोजेज हैं, अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकती, तो सबसे बड़ा देखें, सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जितने भी करंट मीडिया है उसका पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, फेसबुक को यूज करते हैं या यूट्यूब को यूज करते हैं, सिंपली उसके आप वहाँ से योगा के एप्स के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. घर में बाहर नहीं जा सकती, अगर आप किसी जिम में नहीं जा सकती या फीस नहीं आप पे कर सकते, तो जनरली आप घर में भी कर सकते हैं. लेकिन इन सबसे पहले की बात, आप मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, उसके साथ आप अगर योगा को समझते हैं तो सनसेट योगा हो रहा है, सनराइज योगा हो रहा है. सनराइज योगा में सिंपली आप पावर लेते हैं, सूरज की एनर्जी लेते हैं, ठीक है, अपने फिंगर से आपको सिंपली अर्ली मॉर्निंग आपने सनराइजिंग योगा में सिंपली जब सूरज निकलता है तब आपने उठना है, सिंपली उन्हीं पोजिज में डिफरेंट पोजिज में बैठना है जिससे आपने एनर्जी लेनी है. सबसे पहली गेम आपको योगा करने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंड पे ग्रिप होनी चाहिए. जैसे डॉक्टर साहब आगे बात कर रहे थे कि हमें जितनी मर्जी टेंशन होती है, हमने डॉक्टर एज ए बीइंग अ डॉक्टर हमें किसी भी पेशेंट को उसकी काउंसलिंग से पहले से अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि सिंपली अगर आपकी अपने माइंड पे ग्रिप है तो देन यू कैन डू इट एवरीथिंग. और जैसे कहते हैं काम सी बात सभी को पता, लेकिन उसको अप्लाई कोई नहीं करता. जो फिट है वो हिट है. बिल्कुल, जो हेल्थ है वो हेल्थ है. और इंशाल्लाह मैं आपके हेल्थ इस वेल्थ में रोजाना आपके साथ हुआ करूंगा और आपको बताया करूंगा, जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें बताया करूंगा सिंपली योगा, फिटनेस, क्रॉसफिट के बारे में और सेल्फ डिफेंस के बारे में सभी चीजें. बिल्कुल जी, के हमारे साथ हुआ करेंगे, हम इनसे बात भी किया करेंगे. और डेफिनेटली आप लोगों के हमें मैसेजेस आते हैं, आप लोगों की फीडबैक आती है, आप लोग हमसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, इसीलिए हम अपने ड्राइंग रूम में उन मसलों को लेके, इन जैसी पर्सनैलिटीज को लेके आते हैं ताकि आपके मसाइल का हल हो. और डेफिनेटली जी आप लोगों के आने की रीज़न भी यही है कि लोग बुलाते हैं आपको, और ये जो हमारे व्यूवर्स हैं इनकी वजह से हम आप जैसे लोगों को दावत देते हैं कि आप यहाँ आएँ और आकर इनके साथ बात करें. और डेफिनेटली आज बड़े लोगों ने आपको सुना भी होगा और अब बड़े लोगों को जस्तजू होगी कि आज डॉक्टर्स आई हुई थी, उन्होंने ये बात बताई है, तो हिना बताइए कि फिर वो आई हुई है तो इन तक पहुँचना कैसे. बिल्कुल, कैसे पूछा. मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि आपको कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, एक कपल जिसकी शादी को 1 ईयर हुआ है या 7-8 मंथ्स या
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें 1.5 ईयर हो गया है, तो वो कौन सी इनिशियल सिम्टम्स हैं जिनको देख के उन्हें एहसास होना चाहिए या अलार्म होना चाहिए, अलार्मिंग होनी चाहिए कि हमें डॉक्टर के पास जाना है? क्योंकि आई गेस कि अगर आप बीमारी को शुरू में ही पकड़ लो तो वो ज़्यादा जल्दी उसका आराम आएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो कौन सी रीज़न? ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपनी सेहत के बारे में मालूम हो जी। जैसे ख़वातीन का सबसे जो कॉमनेस्ट इशू है आजकल वो ये है कि पीरियड का प्रॉब्लम, हार्मोनल गड़बड़ जिसकी वजह से एग्स नहीं बनते, वजन का ज्यादा या कम होना, या थायराइड जो कि आजकल बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान में। तो अगर तो एक ऐसा कपल है जिसमें खातून और जो हस्बैंड है दोनों बिल्कुल फिट एंड वेल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर यंग, दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो वो तो अगर एक साल ना भी एक्टिवली इसको परसू करें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसा कपल है जिनकी लेट शादी हुई है, खुदा न खास्ता, हाँ जी, पहले कोई ओवेरियन या कोई ट्यूबल प्रॉब्लम रह चुका है, अपेंडिक्स की जैसे फॉर एग्जाम्पल बाज़ का बर्स्ट अपेंडिक्स हो जाती है, सर्जरी हो चुकी है जिसमें ये अंदेशा हो कि ट्यूबों का कोई प्रॉब्लम हो, और या फिर उस बच्ची को ये पता हो कि मेरे पीरियड्स ठीक नहीं आते, 2 महीने बाद आते हैं, 3 महीने बाद आते हैं, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पर बाल आ रहे हैं, ये सब चीज़ें इंडिकेटर्स हैं कि हॉर्मोन्स की गड़बड़ है। तो अगर इस किस्म का कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो उनको फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको जल्दी फिर अपना चेकअप कराना चाहिए। उसके अलावा बाज़ औक़ात होता है कि यंग एज में खुदा न खास्ता बच्चों को, लड़कियां या लड़के, ब्लड कैंसर या कोई ऐसा मसला रह चुका होता है, या अगर जैसे हस्बैंड्स हैं जो उनकी कोई मम्स की हिस्ट्री हो, कोई ट्रॉमा या एक्सीडेंट की हिस्ट्री हो, जिसका पेल्विक एरिया में जिसका ट्रॉमा हो, हर्निया वगैरह बाज़ लोगों को अनयूजुअल मगर हो सकता है, तो अगर इस किस्म का कोई भी रिस्क फैक्टर है, टीबी अगर किसी को खानदान में रहा हो, तो उन लोगों को बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल, शुगर भी इफेक्ट, मर्द को ज़्यादा इफेक्ट करती है या औरत को? प्रेगनेंसी के रेफरेंस में तो आदमी की शुगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पर्म जो है उसकी लाइफ भी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका नॉर्मल होना वो अफेक्ट हो सकता है, मगर प्रेगनेंसी में जब हो जाती है प्रेगनेंसी तो फिर खातून की शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आपने ये सारी हमने बात की कि औरतों के ये वजूहात होनी चाहिए, मर्दों की ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से वो हमें पता चले कि मर्द में कोई मतलब कमी है या कुछ भी, या प्रॉब्लम है जिसका इलाज हो सकता है, वो कौन सी वजूहात है, इनिशियल सिम्टम्स? जी, ये जैसे मैंने आपको कहा, अगर उनकी हिस्ट्री में कोई ऐसा है कि खुदा न खास्ता पेल्विक एक्सीडेंट हुआ है या कोई हर्नियल रिपेयर हुई है या मम्प्स जो है बीमारी होती है जो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, अगर तो कोई ऐसा मसला है तो फिर तो बिल्कुल उनको डिले नहीं करनी चाहिए। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आजकल सिगरेट स्मोकिंग है, यू नो, इलिसिट ड्रग्स का यूज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ये सब चीज़ें कुछ काम ऐसे हैं जिस तरह अगर आप केमिकल्स वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत हाई हीटेड एरियाज़ में काम करते हैं, तो उसमें भी स्पर्म काउंट जो है उसके ऊपर असर हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वेट की एक्सट्रीम्स पे हैं या आपकी जनरल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की बहुत सी दवाइयाँ, एपिलेप्सी की बहुत सी दवाइयाँ, इस किस्म की बहुत दवाइयाँ हैं, एक कुछ बीमारियाँ होती हैं, सीलिएक डिजीज़ है, कुछ बाय बर्थ ऐसी चीज़ें होती हैं, कार्टेगनर सिंड्रोम है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें कि जो ट्यूब्स वगैरह में जो बाल होते हैं, जो फ्लो एक तरफ लेके चलते हैं, उनका अमल सही नहीं होता, तो इन सब चीज़ों में अगर उनको जनरल हेल्थ का अपनी पहले से पता होगा तो फिर उनको वो ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी तो सिम्टम्स हैं, तो नाज़रीन आपने सुना होगा कि कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जो कि अलार्मिंग है, लेकिन अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं या आपको ये सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा है तो हमने कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ये हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा आपसे कि कैसे अप्रोच किया जाए आपको या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको। पाकिस्तान में हमारे पास 3 सेंटर्स हैं, एक कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन सेंटर है। लाहौर में 21 एल गुलबर्ग मेन फिरोजपुर रोड पे है, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेंटर। 21 एल गुलबर्ग, जी, गुलबर्ग 3, ऑस्ट्रेलियन, हाँ, गुलबर्ग 3 ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेंटर, बिल्कुल फ्रंट पे नजर आता है, वहाँ पे हमें आके मिल भी सकते हैं। फर्स्ट कंसल्टेशन हमारी फ्री है, प्रीवियस सारी रिपोर्ट्स। अच्छा, फर्स्ट कंसल्टेशन आपकी फ्री है? बिल्कुल, जिसमें आप रिपोर्ट्स वगैरह का बताएंगे, कौन कौन सी रिपोर्ट्स चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री देख लेते हैं, उनके इनिशियल टेस्ट कौन से हैं, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या वो देख लेते हैं, और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, पेशेंट जब तक हमें दिखाना चाहता है या जो टाइम लेना चाहता है उसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा, नंबर्स आप स्क्रीन पे चला रहे होंगे, बिल्कुल, नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम पूरा वीक वर्किंग डे होते हैं हमारे, कोई ईद हॉलीडेज नहीं होती, कोई मुहर्रम की छुट्टियां नहीं होती हैं,
ओपन होता है बिल्कुल, हमारी कोई ना कोई डॉक्टर 24/7 बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं ऐसे, तो हम अवेलेबल होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस, हमारे पेशेंट जो हमारे साथ चल रहे होते हैं वो हर वक्त हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन डॉक्टर्स को आपके सामने हम लेकर आए हमारे रॉयल मॉर्निंग के ड्राइंग रूम में, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं आप इनके पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह आपको आपसे कंसल्ट भी करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व आउट करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने जो ईमान है और अपने अंदर का जो आपका इंसान है ना उसको मजबूत करके। और देखें ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, आपको अच्छा करने की उम्मीद होती है तो कुछ शायद बुरा हो जाता है, शायद कुछ आप करते हैं आपको रिजल्ट उसका वैसा नहीं मिलता, लेकिन होपलेस नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर साहिबा ने भी यही कहा कि होपलेस मत हो, अपने अंदर वो जस्तजू रखें, अल्लाह सुनने वाला है। ऐसे ही डॉक्टर साहिबा, अल्लाह सुनने वाला है, बाकी अपने नसीब की बात है। कुछ लोग हैं देखिए जी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन कईयों को कुछ ना किए बगैर सब कुछ मिल जाते हैं, क्योंकि हम खुद मीडिया में हम बड़े लोगों का इंटरव्यू करते हैं, बड़े लोगों को मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया तो आपको कैसी मुश्किल आई, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मुश्किल ही नहीं आई, हम बस आए सब कुछ ऐसे ही, हमें सब कुछ प्लेट में ही रखा रखा है मिल गया। और कुछ लोग ऐसे हैं अगर आप उनसे पूछें तो डेफिनेटली आपकी भी जद्दोजहद है, माशाल्लाह जो हमारी खवातीन है खास तौर पर जो हमारी फील्ड में फीमेल्स हैं हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप लोग भी व्यूवर्स उनका रिकॉर्ड करें, ये भी एक सोसाइटी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। और हमारी सोसाइटी में जिस तरह खवातीन को फौरन एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अगर वो डॉक्टर भी है ना और उसकी शादी भी होने वाली है तो एक दफ़ा शादी होने से पहले दूसरी जगह ये बात जरूर आती है कि डॉक्टर है अच्छा शादी के बाद अपना काम कंटिन्यू रखेगी या नहीं करेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी करने के बाद कहते हैं कि जी बच्ची पढ़े अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे, लेकिन प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने के बावजूद भी वो अपना काम आगे नहीं कंटिन्यू रखती, ऐसा होता है। और सबा लाइक डॉक्टर बनना क्योंकि एक सीट है, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डॉक्टर बन रहा है, एक तो इतनी मेहनत बेशुमार, डॉक्टर बनने के लिए आपको बेहद मेहनत की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे जहन में एक बड़ा अब बचगाना वाला सवाल आ रहा है, एक ऐसा सवाल आ रहा है जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि हिना ने कहा कि एक जहन होता है जी डॉक्टर बनना है, बचपन के बारे में जरा बताइए कि बचपन में क्या था, शुरू से ही था कि मैंने डॉक्टर बनना है या क्या था कि कुछ ऐसा देखा मोटिवेट हुए और एकदम डॉक्टर की फील्ड। हाँ, बिल्कुल मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ से कुछ बड़ा अच्छा जवाब आया, लग रहा है कुछ बैक स्टोरी बड़ी मजे की है, जरा घर वाली स्माइल आई है, जरा क्लिनिक से बाहर घर वाली स्माइल आई है। I really don't know why I wanted to be a doctor because my family mein koi immediately doctor nahi tha, but I remember ki when my father used to come home, he is a textile engineer now retired mashallah, so I used to wear his shirt and I used to say ki main aap baith jaye main aapko check karti hu, main aapka check up karungi, lekin I think ये सारे profession बहुत अच्छे, but I think यकीनन ये एक ऐसा शोभा है जिसमें आप दीन और दुनिया दोनों कमा सकते हैं। अच्छा आम रूटीन में आप मिजाज में कैसी हैं? म्यूजिक सुनती हैं? म्यूजिक पसंद करती हैं? फिल्में वगैरह देखती हैं? ड्रामे वगैरह देखती हैं? बहुत कम, टाइम ही नहीं होता। नहीं कभी बंदा होता है ना कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है तो बंदा कोई कहता है जी कि चलो मैं जरा म्यूजिक सुन लूं, मोबाइल में कुछ अपनी गाड़ी में या कोई म्यूजिक, बस जो बच्चों के साथ जो टाइम गुजर जाता है उनकी पसंद की मूवीज और उनके साथ ही। और आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, बचपन में कैसे आपको कैसे ख्याल आया? नहीं मुझे ख्याल एक्चुअली नहीं आया क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में रही हूँ और वहाँ पे एजुकेशन फॉरेनर्स को हायर एजुकेशन नहीं दी जाती है, जस्ट FSC FA करवा दिया जाता है, तो उसमें उस वक्त था कि अच्छा पढ़ना है ज्यादा पढ़ना है और माँ बाप उधर से डॉक्टर बनने के लिए पाकिस्तान तो भेजेंगे, BA BSc के लिए बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अच्छा। तो वो एक था चलो आगे पढ़ना है तो चले पाकिस्तान, वैसे भी जाना है तो वहाँ फर्दर स्टडीज के लिए, मतलब तो बेसिक ऐसा जितना था नहीं कि मेडिकल डॉक्टर जरूर बनना है, कि वो शौक था कि व्हाइट कोट पहनना है या कुछ, लेकिन अब आता है, अब लगता है कि बीइंग अ फीमेल आप अगर और कुछ नहीं कह रहे, हम बहुत सारे लोगों को फायदा जरूर दे रहे हैं, हम अगर बात भी अच्छी तरह सुन लेते हैं, 10 डॉक्टर्स नहीं सुनते अगर उनमें से 2 भी सुन लेते हैं, आप यकीन कीजिए जब डॉक्टर से जाते हैं ऐसे डॉक्टर से तो आपने सही कहा था शुरू में कि आधी बीमारी वाकई खत्म हो जाती है, और हमारे बड़े भी यही कहते थे कि डॉक्टर आराम अच्छी तरह बात कर ले तो वो आधी टेंशन वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा और एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है कि डॉक्टर को दिखा दिया, ये बड़ा लम्हा मजे का होता है क्योंकि बीमार तो सब होते हैं, हर किसी को कभी फ्लू हो जाता है कभी बुखार हो जाता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना डॉक्टर जब नहीं आया होता, जब हम बाहर बैठे होते हैं ना उनके ऑफिस या क्लिनिक के बाहर बैठे होते हैं, इंतजार होता है कि डॉक्टर भी क्यों नहीं आया, जैसे ही डॉक्टर को देखते हैं ना डॉक्टर अंदर एंटर हो रहा है, एक होप आती है कि शुक्र है डॉक्टर आ गया, और फिर वो ऐसा होता है कि आपके साथ भी होगा आप जा रहे हैं पीछे पेशेंट साथ चलना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं जी सब्र करें अभी आपका नंबर आएगा तो आप अंदर, ऐसा होता है एक्साइटेड होके जल्दी कि हमारी सुन ये भी होता है, मगर इस
तस्वीर के भी दो रुख है, अक्सर ऐसे होता है कि जिनकी अपॉइंटमेंट होती है वो आराम से। अच्छा कोई सिफारिश भी आते हैं वीवीआई की, जरा बताइएगा कोई वीवीआईपी आते हैं कि जिनको जरा आप पहले जल्दी जरा। वो तो हर जगह पे ही होता है। अच्छा ये काम चलता है, ये आप तो काम चलता पहले देखते हैं, आप कहती नहीं बारी का इंतजार नहीं, 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 अगर किसी का कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो फिर उसके ऊपर कोई वीआईपी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और इमरजेंसी केस, और अगर इमरजेंसी हो तो उसमें कोई। ये तो होगी डॉक्टर बनने की स्टोरी, व्हाई गायनी, why this line, why gynae itni zyada, I never wanted to become a gynecologist. मैं जिस दिन मेरा हाउस जॉब का इंटरव्यू था उस दिन सुबह मेरी अम्मा ने फिर मुझे कहा, she's a retired principal माशाल्लाह academic है वो बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हार्ट सर्जन तो बहुत बन जाएंगे आदमी भी लेकिन क्या फायदा जब औरतों की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, और आप हार्ट सर्जन बन के बैठ जाओगी पता नहीं मरीज भी आएगा कि नहीं आएगा और उधर औरतों की बात कोई नहीं सुनेगा, तो आपकी मर्जी। तो फिर मैंने इंटरव्यू के लिए जाते जाते डिसाइड किया कि नहीं आई विल डू गायनी, लेकिन पहले दिन गायनी में हाउस जॉब के बाद मैंने अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा किया, उसके बाद अब 86 में मैंने ग्रेजुएट किया था 86 में, अब उसके बाद से लेके अल्हम्दुलिल्लाह इन 30 इयर्स में मुझे कभी एक सेकंड को रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने। वैसे भी इंसान यू आर डूइंग रियली वेल जी, हाँ के जो है वो बिल्कुल चुप बैठे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मेरे बहुत जोर से मुझे ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि मेरा यू नो आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे बहुत जोर से आया, बिल्कुल ये बात भी सुनने की क्वेश्चन बहुत जोर से है ना, बिल्कुल मेरे माइंड में बहुत जोर से क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा जैसे कि मैं हर प्रोग्राम में सबा बाल रोती रहती हूँ, बाल कैसे अच्छे करें, कोई ऐसी जब भी हमारे यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट आते हैं या फिटनेस एक्सपर्ट आते हैं ना, सबसे पहले बता के सवाल करेगी, अच्छा आप जल्दी से ये बता दें तो रंग गोरा कैसे होगा, और सेकंडली आप बता दें हमारी स्किन हमारे बाल कैसे सेट रहेंगे। हाँ, तो रंग गोरा लाइक मुझे इतना शौक नहीं है क्योंकि आई लाइक ब्राउन कलर, लेकिन बालों की मुझे इतनी टेंशन है जब मैं सुबह को उठती हूँ ये बाल ऐसे निकलते हैं तो मुझे एक मिनी हार्ट अटैक, पहले हंसी बिल्कुल खुदा की हर बनाई चीज प्यारी है, उसमें आप देखिए अल्लाह ताला कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरती को पसंद करता हूँ, अपने आप को संवारना रखना चाहिए, इसके सिंपली इसने सिंपली आप फ्रूट्स का यूज करें, जूसेस फ्रेश नहीं, कोई ऐसा एक मैंने सुना था आप ऐसे उल्टे नहीं, उसमें सिंपली पोजिशन के सर नीचे झुका ले तो आपके बालों में उसमें जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उससे तेज होने से आपकी जितनी भी हार्मोन चेंजिंग होती है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जैसे जैसे मैं वीक में आपके साथ हुआ करूंगा आपको मैं रोजाना व्यूअर्स को भी बताया करूंगा और आपके भी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको भी हम सॉल्व आउट करेंगे इंशाल्लाह, हम भी हमारे परमानेंट पार्ट बनने वाले हैं। उसके अलावा हम जो ऑडियंस है देखने वाले हैं फीमेल्स को और मेल्स को हम सेल्फ डिफेंस की भी बातें बताया करेंगे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आजकल मोबाइल स्नैचिंग हो रही है आपके पर्स बताया नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त भी है और ये बड़ा राइट टाइम है कि आप सेल्फ डिफेंस की बात करें, फिर उसके बाद हमारी क्लोजिंग भी है और डेफिनेटली फिर हम प्रोग्राम के एंड की तरफ भी चलेंगे। सेल्फ डिफेंस पे सिंपली आप अपने आप को पहले देखें, आप जो इंसान फिट है वो किसी से बात भी कर सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी सिंपली तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती हैं वो जैसे जैसे हम शोज में अपने आने वाले शोज में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे करके भी सिखाएंगे, बताने के साथ सिखाएंगे भी कि अगर कोई लड़की के साथ मोबाइल स्नैचिंग करता है, कोई बदतमीजी करता है ऑन द वे कॉलेज से, जैसे लड़कियाँ आती हैं किसी भी वे से आती हैं जाती हैं, तो उन तरीके से अपन आपको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बॉयज कैसे कर सकते हैं, फीमेल्स कैसे कर सकती हैं, मैं उन्हें सेल्फ डिफेंस में योगा फिटनेस करवाता हूँ, क्रॉसफिट करवाता हूँ, बॉक्सिंग जिमनास्टिक मार्शल आर्ट्स सभी चीज़ें बताता हूँ, स्टिक फाइटिंग सार्ड फाइटिंग सभी चीज़ें सिखाता हूँ मैं, बताता हूँ मैं, और कितने मेरे मेल फीमेल्स और हर एज के लोगों के लिए लड़कियाँ हों लड़के हों बच्चे हों 3 साल से लेकर बच्चा चलता हो और जब तक वो चलता है, यानी कि बुजुर्ग भी हैं अगर 60 ईयर के भी मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स वो योगा भी करते हैं क्रॉसफिट भी करते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक बॉक्सिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी माइंड स्ट्रेंथ दूर होती है, बॉक्सिंग से एक आपका विजन क्लियर होता है, एक आपका फोकस क्लियर होता है, उससे आपका माइंड स्ट्रेस रिलीज होती है, डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेकर साथ चलेंगे, साथ में योगा को फर्स्ट ऑफ ऑल साथ में रखेंगे। ये मेरा क्लब है कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान स्पोर्ट्स पर ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर, जो मुझे मेरे बड़े कुछ लोगों का मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा क्योंकि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के बीच बैठा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं थैंक्स अपने पेरेंट्स का करना चाहता हूँ, मेरे वालिद साहब ने जिन्होंने बचपन से मुझे मार्शल आर्ट के पास लगाया और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया चाइना में जाके, उसके अलावा मेरे सर हैं मलिक इफ्तिखार साहब, जो आजकल देखें हर बंदे ने योगा सेंटर खोला हुआ है लेकिन अब वो सिंपली योगा के एक रजिस्टर्ड क्लब हुआ करेगा, उनके पाकिस्तान में वही इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके पायनियर्स में से वो है मलिक इफ्तिखार साहब, उसके अलावा मेरे टीचर वहीद भट्ट साहब हैं, अख्तर नवाज गंजीरा साहब हैं जिनकी वजह से मैं अपना क्लब चला रहा हूँ, और सबसे पहले ऐसे इकबाल साहब हैं जिनके थ्रू मैं अपने क्लब को रन कर रहा हूँ, वो सरपरस्त हैं, और जितने भी मेरे टीचर हैं उनका मैं नहायत अदब से शुक्रगुजार हूँ कि मैं आज उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अपने आप को फिट रखेंगे हमेशा वो ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। वेरी गुड, थैंक यू, और ये बड़ा अच्छा मैसेज भी था, बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन भी दी,
और इंशाल्लाह अब इस शो के बाद देखिए अब आपको कैसे धड़ाधड़ फोन आएंगे। वो जो आपने खास बातें बताई है ना जिन लोगों के लिए नहीं है वो लोग ज्यादा आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, उसके रीजन ये है कि डेफिनेटली ये ना ये देखिए घर में जब घर चलाने वाला नहीं होता ना तो बड़े मसाइल होते हैं। इसके रीजन से शॉर्टकट लोग जो हैं वो क्या करते हैं जी के लाइफ में गलत रास्तों को इख्तियार कर लेते हैं और जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सोशल इवल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जिससे पर्सनैलिटीज डैमेज हो रही है, सोसाइटी डैमेज हो रही है। तो एक होप आज हमने आपको दी है अपने मॉर्निंग शो में, रॉयल मॉर्निंग शो के ड्राइंग रूम के थ्रू, के जो लोग अपनी जिंदगी को सेट करना चाहते हैं, अपसेट हैं, लाइफ में आना चाहते हैं, लाइफ जीना चाहते हैं, प्लीज वो केके से कॉन्टेक्ट करें, इनके जो है जो जिम है वहाँ पर जाएं और अपने आप को सेट करें। और बिल्कुल इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिम में बहुत स्किल्स होती हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो डिजर्विंग होते हैं। उन्होंने बताया कि डिजर्विंग लोगों के लिए जो टैलेंटेड है और डिजर्विंग है उनको फ्री भी करेंगे। जो लोग काम नहीं करते जैसे आपने बोला गलत रस्तों को चुन लेते हैं, जो लोग टैलेंटेड है ना, जो समझते हैं हम में टैलेंट है तो मेरे क्लब में आए, मैं उनके प्लेटफॉर्म दूंगा, उन्हें डिपार्टमेंट्स में एज ए एम्प्लॉय स्पोर्ट्स बेस पे वो लग सकते हैं। उसके अलावा जो स्टडी करते हैं, जो स्टडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टडी बेस पे स्पोर्ट्स बेस पे उनमें आगे भी लेके जाते हैं। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं मार्शल आर्ट, मेल हैं फीमेल हैं, किसी यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, जिमनास्टिक, जितने भी स्पोर्ट्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल वही बात जो आपने पहले की है कि आपका टैलेंट है, देन यू कैन यूटिलाइज योरसेल्फ। हमारे हमारे क्लब का एक मोनो भी यही है, जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वो हिट है, जो फिट है जो फिट है वो हिट है ऑलवेज जी ना। इसके अलावा हम अपनी डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहेंगे कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज जो आप लोगों को बताना चाहें कि अच्छा मैं एक और बात सबा, ये सारी चीजें जो है ये तो है शादी के बाद, के शादी के बाद आपकी होने चाहिए, ये प्रिकॉशंस होने चाहिए, जैसे बीइंग अ गर्ल लड़की जो होती है वो कमजोर होती है, वीक होती है एज कंपेयर टू अ पर्सन लाइक मेल, तो वो ऐसी क्या चीजें जिसे अवॉइड करना चाहिए लड़कियों को। शुरू से चीज तो ये है कि जैसे घरों में अभी भी रिवाज है कि पहले आप बेटों को खाना खिलाएंगे बाद में बेटियों को खाना खिलाएंगे, तो वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चियां ग्रो कर रही होती हैं तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पीरियड्स की वजह से और बाकी चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा होती है, एक्चुअली लड़कों से ज्यादा होती है। तो खाने को बैलेंस्ड डाइट जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा फल भी है, थोड़ी सी सब्जियां भी हैं, दूध का एक दो ग्लास भी है, गोश्त आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, दालें सब चीजें मिला के लें। और दूसरा जो आपने मैसेज की बात की, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मेरा ख्याल है जनरल मेडिकल के हवाले से भी और स्पेशली ये सब फर्टिलिटी के हवाले से, ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो जाते हैं डॉक्टर पे एतबार करके, जैसे भी है या जो डॉक्टर नहीं भी होते उनके भी क्लिनिक्स हैं, तो बहुत सी गलत अद्वियात का ऐसा इस्तेमाल हो जाता है जिनके जिनकी वजह से फायदे की बजाय इवन खातून को जान तक का खतरा हो सकता है, खासतौर पे सब फर्टिलिटी में। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी सेहत के बारे में आगाही रखें और आप खुद रिसर्च करें, खुद देखें, जैसे आप सब बात करें कि मीडिया भी है और इतने इलेक्ट्रॉनिक और तरीके भी हैं, तो जहां आपको जहां जिस सेंटर का पता चलता है कि वो सही तरीके से चलते हैं, जो डॉक्टर सही तरीके से चलते हैं, उनकी तरफ जाएं बजाय इसके के जो एक भेड़ चाल हमारे मुल्क में। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल मेरे जहन में, माशाल्लाह आज बड़ी अच्छी डिस्कशन है, शायद यहाँ हमारे दिमाग चलना शुरू हो गए आपके साथ, पता नहीं क्या चक्कर है मेरे जहन में, ये बात दूध की बात कर रही थी अपने अपने लाइक दूध का जो है आजकल प्रॉब्लम ये है कि दूध पिया नहीं जाता है, ठीक है, बच्चे भी आप देखें, आप ये भी देखने के छोटे बच्चों के पीछे भी भागना पड़ रहा है, वो भी दूध नहीं पी रहे, और वैसे भी आजकल एक ट्रेंड है जी कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल डब्बों के दूध पे जो है ना वो लगा दिया हुआ है बच्चों को। लड़कियों की अगर हम बात करें तो आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मेडिकली तौर पे ऐसे मिल्क स्पेशली तैयार किए गए हैं जिसके अंदर सारे विटामिंस हैं जी, वो आप पिए वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, आप इसके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और लड़कियों को खास तौर पे कि वो एक नेचुरल डिस्कशन में कि वो कौन से विटामिंस कैप्सूल लें अगर वो। एक तो ये बात है कि जो आप कह रहे हो कि डब्बे का दूध, हर बच्चे के लिए दुनिया में बेहतरीन दूध उसकी माँ का है, राइट, और हर माँ के लिए बेहतरीन है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाए, इवन हमारे तो मजहब में भी है दो साल दूध पिलाना, बिकॉज वो माँ को भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है, उसकी जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और बच्चों की सेहत के लिए बेहद अच्छा है।
और जो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं या जो प्रेग्नेंट हो रही बात कोट की है डॉक्टर साहिबा ने कि ब्रेस्ट कैंसर से क्योर करता है, क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि नहीं हमारा फिगर मेंटेन नहीं रहेगा, लड़कियाँ जो मॉडल वगैरह एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस, ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट ये बहुत प्रोटेक्टिव है और जो बच्चियाँ जवान हैं या जिनकी शादी हो रही है या वो चाह रही हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो उनको भी मेरा ये मैसेज है कि दवाइयों पर रिलाय करने की बजाय आप अपनी जनरल हेल्थ को अच्छा करें, एक्सरसाइज जरूर करें और एक बैलेंस रखें जिंदगी में। और जो प्रेग्नेंट होना चाह रही है वो फोलिक एसिड एक आम कंपाउंड है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, तो उसकी कोई भी टैबलेट जो है वो जरूर लें। सो डॉक्टर साहबा हमारा वक्त भी जो है तकरीबन ही कंप्लीट हो गया, 2 घंटे गुजर गए पता भी नहीं चला और इतनी अच्छी बातें हो रही थी। व्यूअर्स आप भी हमारा शो देख रहे हैं और इस तरह हम आपके फीडबैक लेते हैं और डेली आते हैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश में। ये हमारी यही कोशिश है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखें, पसंद करें और आज जिसका रिजल्ट आपने देखा है कि इतनी अच्छी, इतनी जनरल, इतनी हेल्पफुल, इतनी हेल्दी डिस्कशन हमने आपके साथ की। तो प्रोग्राम एंड है और जाते जाते हम हमेशा हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे खूबसूरत मैसेज देते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए आज आपका क्या मैसेज है? आई थिंक मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है कि जिन घरों में बेटियां हैं वो उनकी कदर करें और उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनको पढ़ाएं और लिखाएं, और ख्वातीन जो हैं वो एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें और एक्सरसाइज की रूटीन बनाएं और जो भी मेडिकल के मसले हैं उनको लेके घर में ना बैठें, प्लीज उनको लेके जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएं, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास, ताकि उसका इलाज हो सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? साथ ही जाऊंगी कि जो भी इनफर्टाइल कपल है आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज नॉर्मल ताल्लुकात के साथ अगर कंसीव नहीं कर रहे तो फौरन ही किसी इनफर्टिलिटी सेंटर को ही दिखाना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से इलाज शुरू किया जा सके, बजाय ये कि आप डिफरेंट प्लेसेस पे जाके टाइम भी वेस्ट करें और पैसा भी वेस्ट करें। जी थैंक यू वेरी मच। एन जी के क्या हो रहा है? देखिए सबसे पहले मेरा एक ही मैसेज है, जो फिट है वो हिट है और मैसेजिंग तो आपके साथ डेली चलिए करेगी, क्योंकि इंशाल्लाह प्रोग्राम का एक पार्ट हुआ करूंगा जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस, योगा, फिटनेस, आपके रेलिवेंट जितने भी मैसेजिंग, व्हाट्सएप, ईमेल सभी का क्वेश्चन के हिसाब से आपको ट्रेनिंग बताया करेंगे डेली। जी इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। मुझे हिना महमूद को और सबा वारिस को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।